cells, fibers, and ground substance. Connective tissue is divided into two types. One is loose connective tissue. Another one is connective tissue, proper connective tissue or specialized connective tissue. Proper connective tissue again divided into two types, loose connective tissue, dense connective tissue. Improper any specialized connective tissue again divided into two types, skeletal tissue or fluid tissue. Again loose connective tissue divided, loose connective tissue into divided into two types, areolar connective tissue, adipose, loose connective tissue. Like that, dense connective tissue may be division hai. Dense white fibrous dense connective tissue, yellow fibrous dense connective tissue. Hello? Hello, Islam. Good. ठीक है जाओ. फिर उसके बाद पढ़े थे अपन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फिर दो तरह के हैं. एक है कार्टिलेजिनियस और एक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू. वैसे फ्लूइड में भी दो तरीके के, ब्लड और फ्लूइड. अब आइए अपन पढ़िए सबसे पहले प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का जो डिवीजन था, क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पहले बेसिक डिफरेंस देखेंगे, फिर इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे. क्या हाँ बेटे, वो नोट्स लिखाते वक्त में सीलिएटेड एपिथीलियम जो था, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम के अंदर एग्जाम्पल लेना था फोलोपियन ट्यूब. मैं गलती से वहां पर क्या लिखा दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रांक्योल्स का मैं लिख दिया एग्जाम्पल. देखो इसको सही करो. और उसके बदले में कॉलमनर सीलिएटेड एपिथीलियम के पास फोलोपियन ट्यूब लिखना और क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथीलियम के पास ब्रोंकियोल्स, स्मॉल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, सही कर लेना बेटे, कर लिए. चलो अब लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फर्क क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट फाइबर्स आर लेस, यहां पर फाइबर्स आर मैक्सिमम. सेकेंड, सेल्स आर मोर इन नंबर. सेल्स आर लेस इन नंबर. शुएब रहमान पढ़ना, शौक से पढ़ना, मुहिब शौक से पढ़ो. ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स, मैक्सिमम यहां पर ग्राउंड सब्सटेंस. मिनिमम इसका लॉजिक समझेंगे. नोट्स लिख लिए, पहले इसका लॉजिक सुनेंगे फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, फिर फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सबसे पहले सुन ले बेटे, यहां पर अपन लिखे डिफरेंसेस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. टेबल लिख लो, सिंपल है. बोलो लूज कनेक्टिव टिश्यू में लॉजिकली सोचो, जब लूज रहेगा तो फाइबर्स कम रहेंगे, फाइबर्स कम रहे तो उन लोग एकदम फैले फैले रहते और उन लोग खुला खुला रहते. फाइबर्स क्या है, धागों के जैसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है. वो अगर ज्यादा रहे तो डेंस हो जाता, समझे? जैसा कि दूध के अंदर सेवैया फुल डाल दिया तो आपका सेवी जो शुरखुरमा बनेगा वो डेंस शुरखुरमा बनेगा. अगर वही कम सेविया, एक मुट्ठी भर सेविया और एक बड़ा देख भर आपका दूध का शीर चढ़ा दिया
तो क्या होता, एकदम हल्का कांकांकी दिखते, तो वो लूज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर फाइबर सेवैया की तरह है, तो जिसमें सेवैया कम रहेगा वो लूज रहेगा, जिसमें सेवैया ज्यादा रहेगा शीर खुरमा टाइट हो जाएंगे। वैसे फाइबर ज्यादा रहा तो कनेक्टिव टिश्यू टाइट हो जाता, अगर सेवैया कम रहा तो कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया, चलो लॉजिक समझ में आ गया। अब आइए, सेल्स आर मोर इन नंबर, भाई लूज रहेगा, फाइबर्स भी नहीं है तो ज्यादा सेल्स उसके अंदर रह सकते हैं। जितने सेल्स रहेंगे उतना बड़ा कनेक्टिव टिश्यू बनता, तो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स ज्यादा रहेंगे। यहां पर सेल्स आर लेस इन नंबर, फाइबर ज्यादा रहा तो सेल्स कम रहते। कैसे याद रखना, सेल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइबर्स। सर फिजिक्स लेके आए क्या? सर याद रखो, जहां सेल्स, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन, ये पूरे फोर सेंटेंसेस की स्टोरी एक इक्वेशन में लेके आए। अपन भी बायोलॉजी में इक्वेशंस लेके आ सक रहे, बोला अच्छा है ना। समझ में नहीं आया पॉइंट ये, जहां पर सेल्स ज्यादा रहेंगे वहां पर फाइबर्स कम रहेंगे, जहां पर फाइबर ज्यादा रहेंगे वहां पर सेल्स कम रहेंगे, इसलिए दोनों एक दूसरों से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेल्स कम है तो फाइबर्स ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है तो फाइबर्स, यहाँ पर सेल्स ज्यादा है तो फाइबर्स कम है, या फाइबर ज्यादा है तो सेल्स, इसलिए दोनों एक दूसरों के लिए इनवर्सली। तो फाइबर्स याद रखना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स इज मेन है, जिसकी वजह से डेंस होता, तो इसमें डेंस फाइबर्स ज्यादा रहने से डेंस हुआ तो ऑब्वियसली सेल्स कम रहेंगे। इसमें सेल्स कम है तो इसमें सेल्स ज्यादा रहेंगे, इसमें सेल्स ज्यादा है का मतलब इसमें फाइबर्स कम रहेंगे। अब ये दोनों के अंदर आ जाओ, ग्राउंड सब्सटेंस बताओ, अब ये इसके अंदर फाइबर्स कम है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जगह ज्यादा रहेगा, सेल्स ज्यादा रहेंगे तो जगह भी ज्यादा रहेगा, तो ग्राउंड सब्सटेंस भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पर फाइबर्स आके जगह को लेने नहीं देते, तो क्या लिख देना बोलो, सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, अगेन ग्राउंड सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइबर्स। समझ में आ गया, जहां पर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर ज्यादा हो जाएंगे वहां पर ये बाकी के दो चीजें कम रहेंगे, और जिस ग्राउंड टिश्यू, जिस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स कम हो जाएंगे उसके अंदर सेल्स भी ज्यादा रहेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस भी ज्यादा रहेगा, और जिस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर ज्यादा हो जाएंगे उसमें सेल्स भी कम रहेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस भी कम रहेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो अब अपन पढ़ेंगे फाइबर्स। क्या डाउट है बेटे, बोलो बोलो बोलो, पूछो क्या डाउट है। सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइबर्स, इसलिए देखो वहां पर लिखा। चलो अब फाइबर्स किसको बोलते देख लेंगे, उसके बाद फिर अपन एक एक को लाइन से पढ़ लेते जाएंगे। फाइबर्स, फाइबर्स प्रोटीन फाइबर्स, एक्चुअली प्रोटीन फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन पढ़े थे अपन लगा, चांद की एक रात पढ़े थे ना, चांद का मतलब क्या हो गया, कोलाजन, कोलाजन। फिर उसके बाद एक रात बोले तो एलास्टिक, फिर उसके रात बोले तो रेटिकुलेट, ये हो गया चांद की एक रात। इसका फर्स्ट पॉइंट याद रखो बेटे, अनब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड है और ये भी ब्रांच्ड है, हाईली ब्रांच्ड है। इसमें व्हाइट फाइबर होता है, कोलाजन फाइबर में व्हाइट फाइबर होता है, इसमें येलो फाइबर होता है।
एक्चुअली ये मैं सीक्वेंस बिठाने के लिए लिख रहा हूँ, डार्क फाइबर। नेक्स्ट ये जो है ना बंडल्स में रहता, पूरे पॉइंट्स कवर हो जाते आपके, टेंशन न खोलो। ये सिंगल रहता, ये भी सिंगल रहता, इसका नाम कोलाजन रखा गया इसके अंदर रहने वाला प्रोटीन के नाम के हिसाब से, ट्रोपो कोलाजन प्रोटीन। और इसके अंदर इसका नाम रखा इसके प्रोटीन के नाम से, एलास्टिन प्रोटीन। इसका नाम रखा गया रेटिकुलेट प्रोटीन, इसके नाम चलो लिख दे रहा हूं यहां पर, ट्रोपो कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट एलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट, यहां पर रेटिकुलेट प्रोटीन प्रेजेंट। इसमें याद रखना ये रिजिड रहता, रिजिड का मतलब एकदम सख्त सख्त, ये इलास्टिसिटी रहती इसमें, खींचे जाना की क्षमता। ये फ्रैगाइल एंड डेलिकेट, समझा तो परेशानों को, इसके पास स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा रहता, इसके पास भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहता, के पास स्ट्रेंथ कम रहता। इसके बाद ये नॉन फ्लेक्सिबल रहता, और ये फ्लेक्सिबल रहता, डायग्राम देखना है तो देख लो, ये डायग्राम है इसका, कोलाजन फाइबर बंडल्स में है लेकिन ब्रांचड नहीं है, ये ब्रांचड है लेकिन बंडल्स नहीं है, यहां पर भी ब्रांच है लेकिन बंडल्स नहीं है। चलो समझेंगे अच्छे से, लॉजिकली समझेंगे इनको याद रखने के लिए। देखो अनब्रांचड है, दिख रहा आपको, रुक जाओ बेटे, समझना समझना इंपॉर्टेंट है, रुको। ये अनब्रांचड है, दिखने में दिख रहा, कोलाजन फाइबर्स कट्टे में रहता, बंडल्स में रहता और अनब्रांचड रहता, बंडल्स के फॉर्म में रहता और अनब्रांचड, और ये व्हाइट कलर का फाइबर का बने हुआ रहता, कौन सा कलर का, व्हाइट कलर का फाइबर का बने हुआ रहता, इसलिए इसका एक्चुअली ये जो प्रोटीन है
व्हाइट फाइबर का बने हुआ रहता और ये बंडल्स में रहता, ये अनब्रांचड रहता। और कौन सा प्रोटीन से बने हुआ है? ट्रोपोकोलाजिन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये रिजिड है, रिजिड मतलब एकदम सख्त सख्त रहता। आप इसको एग्जाम्पल में देखेंगे बाद में, आगे की क्लास में समझ में आता कि इसको रिजिड कहां पर अपने को कोलाजन फाइबर देखेंगे बेटे, डेंस जहां पर अपन चबा नहीं सकते, ऐसी नरम हड्डी जिसको लिगामेंट्स रहते ना, कभी कभी गोश्त खाते खाते आ जाता हो, कितना भी चबाते रहते भी चबता ही नहीं, खाली वो दबते रहता फिर वैसे चल जाता वापस, वैसे कोलाजन फाइबर रहता वहां पर, तो वो नेचर का रहा तो रिजिड रहता। समझ में आ गया ना? इसी तरह स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा रहती, बहुत स्ट्रेंथ रहती, कितना भी खींच लो तो उसको स्ट्रेंथ रहती। उन्हें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, नहीं टूटता लेकिन स्ट्रेंथ बहुत रहती, मतलब अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहती, बेयर कर सकता उन्हें ज्यादा वजन को। नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है उन्हें, एलास्टिक के अंदर लिगामेंट्स, लिगामेंट्स को देखेंगे फ्लेक्सिबल रहते, उसका फाइबर ब्रांचड रहता, देखो येलो कलर में रहता, एलास्टिन प्रोटीन रहता, एलास्टिसिटी उसमें खींच जाता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करा, एक रस्सी बनाया, पर रस्सी को पत्थर लटका है ना, अच्छा खासा पकड़ के रखता उन्हें, सख्त रहता, लटकता खाली उत्तेज। जैसा तुम वजन बढ़ाते जाएंगे एक वक्त आता कि वो धागा टूट के नीचे गिर जाता, लेकिन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता, हाँ रहता उन्हें जितना वजन बर्दाश्त करना है उसका। जैसा तुम वजन बढ़ाते इतना पत्थर जाके इतना पत्थर करे तभी बर्दाश्त करा, इतना पत्थर कर दे टप, रिजिड है मतलब सख्त है, जितनी देर रोक सकना था रोका, स्ट्रेंथ फुल थी, बियॉन्ड द लिमिट तक बोल के टूट गया, ऐसा खींचे नहीं गया उन्हें, हो गया फ्लेक्सिबल नहीं था, इसलिए उसका नाम क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, फ्लेक्सिबल कम है और रिजिड है, सख्त है। यहाँ पर आओ, वही अब रबर को लटकाओ, एक रबर है, उस रबर को मैं, ये रबर है देखो, क्या रबर को मैं कोई चीज लटकाया, क्या हो रहा है इन्हें, फ्लेक्सिबल है ना, है ना, खींचे जा रहा ना इन्हें, इलास्टिसिटी है ना इसके अंदर, कब तक, एक वक्त तक उन्हें नीचे जाते रहता, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है, बर्दाश्त करता है, उसके बाद फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पर आप देखेंगे डार्क फाइबर यानी हाईली ब्रांचड, देखो यहाँ पर भी ब्रांच, यहाँ पर भी ब्रांच, याद दिलाने के वास्ते आपको, डार्क फाइबर है, सिंगल है, ये भी अकेला है, यहाँ इसके जैसा बंडल में नहीं है, रेटिकुलेट प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर, और डेलिकेट एंड फ्रेगाइल, ये कैसा है मालूम, एकदम बिल्कुल नाजुक है, मतलब जल्दी टूट जाता ऐसा, फ्रेगाइल मतलब धक्के पे टूट जाता उन्हें, ज्यादा देर तक इन्हें स्ट्रेंथ नहीं रख सकता, उनके लिए सख्त है ना, उनके जैसा इलास्टिक नेचर है, सिर्फ हाथ लगते ही टूट जाता, बिल्कुल डेलिकेट है और स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम है और नॉन फ्लेक्सिबल है। समझ में आ गया, तीन तरह के प्रोटीन्स की आप नेचर याद रखिए तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर के एग्जाम्पल जल्दी याद हो जाते। रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाली जाला ऐसा फैला हुआ नेटवर्क, किसको बोलते हैं, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से, तो वैसे रेटिकुलेट का मतलब नेटवर्क। देखो ये लकीर, यहाँ लकीर, यहाँ लकीर, यहाँ पर सिर्फ दो इंच लकीर है, यहाँ पर कई लकीरा निकल रहे, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। हाँ जरा जल्दी आना आप, रेटिकुलेट और नेटवर्क बोथ आर इक्वल, ओके सिनोनिम्स। हेलो, हाँ मैं